महाराष्ट्र के अकोला में हर दिन बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के अभिभावक उन्हें गोद में उठाकर हर दिन नदी पार कराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक अविकसित गांव ग्राम पातुंडा की। आपको बता दें कि अकोला के गांव रेल में स्थित ग्राम पातुंडा के हालात को बयां करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पातुंडा रास्ते पर बना पुल जिसकी ऊंचाई इतनी कम है कि बारिश से नदी में थोड़ा भी पानी बढ़ता है तो पातुंडा गांव का संपर्क अन्य गांव से टूट जाता है। पुल बनाते वक्त इतनी लापरवाही बरती गई कि इसका खामियाजा ग्रामवासियों को उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए माता पिता को अपनी और बच्चों की जान जोखिम में डालकर पैदल नदी पार करना पड़ता है। साथ ही ये गांव विकास से कुछ सुदूर है। पातुंडा गांव में सड़कें नहीं है और जो सड़क बनाई गई उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत अधिकारियों से लेकर स्थानीय नेताओं तक की गई है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ग्राम आंदोलन करेंगे।